नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप EMI का नया फोन खरीदते हैं या फिर आप अपने EMI के फोन को रीसेट करते हैं और दोबारा आप उसमें सिम कार्ड इंसर्ट करके ऑन करते हैं, तो आपके साथ एक प्रॉब्लम जरूर आता होगा कि आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट में आपकी कोई भी कॉन्टेक्ट न दिखलाई देना। मतलब कि जब भी आप अपने EMI के फोन को रीसेट करते हैं या फिर नया फोन खरीद के अपना सिम कार्ड डालते हैं तो आपकी कॉन्टेक्ट शो नहीं होती है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप अपने EMI के फोन में सिम कार्ड डाल रहे हैं और आपकी कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं दिख रही है, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, आज की इस वीडियो में यही आपको मैं बताऊंगा। तो इसके लिए आपको जाना होगा अपने फोन की सेटिंग में। यहाँ पे सेटिंग को ओपन कीजिएगा और सेटिंग ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे स्क्रोल डाउन करके नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एप्स का। यहाँ पे लिखा हुआ है एप्स, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और एप्स पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है सिस्टम एप सेटिंग्स। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा सिस्टम एप सेटिंग्स पे। दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, तो यहाँ पे आपको सिंपली जाना होगा कॉन्टेक्ट्स में। यहाँ पे आप जाइएगा कॉन्टेक्ट्स में और यहाँ पे आपको आपके फोन में एक ऑप्शन जरूर मिलेगा शो सिम कॉन्टेक्ट। दोस्तों, यहीं से होता है अगर आप अपने फोन को रीसेट करते हैं या फिर आप नया फोन EMI का परचेज करते हैं तो ये ऑप्शन डिफॉल्ट रूप से ऑफ रहता है, आपकी सिम कार्ड की कोई भी कॉन्टेक्ट लिस्ट नहीं दिखती है। तो आप इसे यहाँ से ऑन कर दीजिएगा। दोस्तों, आपको एक बात बता रहा हूँ कि जब भी आप अपने फोन को स्विच ऑफ करके ऑन करते हैं तो ये ऑप्शन आपके फोन में नहीं दिखलाई देगा। ये ऑप्शन आने में कम से कम 5 से 6 मिनट का टाइम लग जाता है। तो अगर आप अभी अभी अपने मोबाइल को रीसेट किए हैं और उसे ऑन किए हैं और ये ऑप्शन आप खोजिएगा तो आपको नहीं मिलेगा। आप थोड़ा देर वेट कर लीजिएगा, 5-6 मिनट के बाद देखिएगा तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा और इसे आप ऑन कर दीजिएगा। इस ऑप्शन को ऑन कर देने से आपकी सिम कार्ड की कॉन्टेक्ट लिस्ट फिर से शो होने लगेगी। तो ये थी छोटी सी वीडियो कि EMI के फोन में अपने सिम कार्ड के नंबर को कैसे शो कराएं। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके काम की होगी, आपके हेल्पफुल होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप में। और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेके आते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।